अब हम श्री चार धाम मंदिर के अंदर ही आ गए हैं, जहां पर स्वर्ग और नरक नाम से यह मंदिर बना हुआ है। जैसा कि यह मंदिर करीब 125 वर्ष पुराना है, जब काफी लोग पढ़े लिखे नहीं हुआ करते थे, उनको ये नहीं मालूम था अच्छे कर्म क्या है बुरे कर्म क्या है, तो यहाँ चित्रों के माध्यम से उन लोगों को समझाया जाता है कि बुरे कर्म कैसे बुरे कर्म करेंगे तो उनके क्या प्रतिफल मिलने वाले हैं। अब हम माइक अपने पंडित जी को देते हैं और विस्तार से पंडित जी हमें बताएंगे। प्रभु जी, श्री सिद्धपीठ चारों धाम में आप बिल्कुल गरुड़ पुराण का उल्लेख किया गया है, इसमें प्राणी जैसे कर्म करता है उसे दंड देते हुए दिखाया गया है। ये चोरी करने का है, ये राजा अथवा राज कर्मचारी जनता पे अत्याचार का फल है, और ये जो पर स्त्री पर पुरुष से संभोग का फल है जिसमें ये प्रतिमा अग्नि से जल रही है, आप कहते हैं उसको छुओ। जो लोग चूहा खेलते हैं उनको ये कुंभी बाग नरक से ये कढ़ाई के खोलते हुए तेल में उबाला जा रहा है, और जो माता पिता गुरु को कष्ट देते हैं वो महारौरव नरक नाम से इस तरह से उनको जीव जंतु समझते हैं, और जो नशा आदि करते हैं उनको ये खौलता हुआ तेल जो है पिला रहे हैं अह पान नरक से। ये भगवान धर्मराज जी का दरबार लगा हुआ है, चित्र और गुप्त बैठे हैं। ये वैतरणी नदी बनी हुई, इसी को पार करने के लिए गोदान करते हैं। धर्मराज जी का दरबार है, चित्रगुप्त है। धर्मराज जी आप हैं? हाँ। दोनों कंधों पे, एक पे धर्म एक पे अधर्म, यानी चित्रगुप्त विराजमान रहते हैं। उन सब लिखते रहते हैं, जैसी करनी वैसी भरनी और सजा, जैसी करनी वैसी भरनी का। देखिए, ये बैलगाड़ी पे सवारी करी है, बैल को मारा है, बोझा लादा है, तो ये खुद बैल बने हुए हैं। ये माता पिता बैठे हैं, माता पिता और ये पुत्र है, इस पुत्र ने माता पिता को कष्ट दिया है तो खंभे से बांध करके लाल वृक्ष नरक नाम से मुक्तर चल रहे हैं। जो जानवरों को मारते हैं उनको इस तरह से जानवर नोच नोच के खा रहे हैं। ये वैश्यावृत्ति करने का फल है, जो निभोज नरक में अग्नि में जलाते हैं। ये गाय बैलों को जो मारते हैं उनको कालसूत्र नाम नरक से उनको दंड किया जाता है। जो घूसखोरी करते हैं, भ्रष्टाचार करते हैं उनकी ये गति हो रही है। जो जीवों की हत्या करते हैं उनको जीव जंतु खाते हैं। जो दूसरे की निंदा करते हैं, झूठ बोलते हैं, उनको चुगली करते हैं। अब हम चारों धाम मंदिर में ही स्थित स्वर्ग नरक मंदिर के अंदर आए, और जैसा कि पुजारी जी ने हमको विधिवत समझाया कि कौन कौन से बुरे कर्म करने के क्या क्या नतीजे हैं, तो हम आपसे अपील करते हैं कि आप भी अपने बच्चों को यहाँ चौपटिया, लखनऊ में चौपटिया में आएं और इस मंदिर को अवश्य दिखाएं। तो चित्रों के माध्यम से अपने बच्चों में संस्कार डालने के लिए ये मंदिर अति उत्तम है। अब हम इस चारों धाम और स्वर्ग नरक के मंदिर को, जैसा कि आपको पूरा वीडियो हमने दिखाया और पुजारी जी ने विधिवत विस्तार पूर्वक हमें हर चीज़ें बताई, तो हम आशा करते हैं आप एक बार समय निकाल कर इस मंदिर को दर्शन करने अवश्य आएँ। और मेरा वीडियो अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर मैंने चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।